गाइस यहाँ पे हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर भाई लोग मिल चुके हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस आज के इस वीडियो में हम आपको लेकर जाने वाले हैं रायपुर के एनर्जी पार्क, जो कि मेन रायपुर से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और ये जो एनर्जी पार्क है वो रायपुर के VIP रोड में स्थित है। तो चलिए चलते हैं और वहाँ का पूरा नज़ारा आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊँगा, और वहाँ पर पार्किंग का क्या चार्ज लगता है, टिकट प्राइस क्या है, और पूरा पार्क का व्यू कैसा है, क्या नज़ारा है, वो सारा चीज़ आज की इस वीडियो में कवर होने वाला है। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, बहुत ही मज़ा आने वाला है आज की इस वीडियो में। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों ओला जो सड़क आप देख रहे हैं रोड, वो है VIP रोड, और इसके जस्ट बगल में इधर जो आप देख रहे हैं ये है सर्विस रोड। तो सर्विस रोड से होते हुए आप जब आगे आएंगे तो यहाँ पे एक बोर्ड में लिखा हुआ आपको मिलेगा कि ऊर्जा पार्क जाने का रास्ता इधर है। तो गाइस ये है एनर्जी पार्क का पार्किंग एरिया। तो अगर आप बाइक से या कार से आते हैं इधर पार्किंग में खड़े कर सकते हैं अपनी गाड़ी, और वहाँ पे अभी टिकट कटवाना पड़ेगा। तो गाइस पार्किंग के जस्ट बगल में कैंटीन का एरिया है, आ सकते हैं। तो गाइस अभी हम अपनी वाहन पार्किंग में लगा के और टिकट ले चुके हैं। मेरा बाइक था 2-व्हीलर, तो यहाँ पर 10 रुपये लगा है। अगर आप कार से आते हैं तो आपका 20 रुपये पार्किंग का लगेगा। तो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं एनर्जी पार्क, जिसका नाम है राजीव स्मृति वन वाटिका। तो मेरे पीछे में आप गेट देख पा रहे होंगे। तो अंदर जाने से पहले हमें टिकट लेना होगा, तो चलिए पहले टिकट लेते हैं। तो जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं ये है टिकट घर, तो चलिए टिकट लेते हैं उसके बाद अंदर चलेंगे। यहाँ पर टाइमिंग आप देख पा रहे होंगे कि कितना से कितना टाइम तक ये पार्क ओपन रहता है। कितना टिकट भैया? तो गाइस अभी हम टिकट ले चुके हैं यहाँ पे। तो टिकट प्राइस है वयस्क का 20 रुपये और बालक लोगों का यानी कि बच्चों का 10 रुपये। तो गाइस ये है राजीव स्मृति वन वाटिका का मेन गेट, तो चलिए इसी को बोलते हैं एनर्जी पार्क। तो अंदर चलते हैं और अंदर का नज़ारा आप लोगों को दिखाते हैं। तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं एनर्जी पार्क के अंदर में। तो गाइस टिकट को यहीं पे दिखाना होगा, और यहाँ पे एक बहुत अच्छा चीज़ लिखा हुआ है, उद्यान में व्हील चेयर निःशुल्क में उपलब्ध है, जो बुज़ुर्ग लोग हैं उन लोगों के लिए। तो गाइस पार्क के अंदर आते ही आपको बोर्ड देखने को मिल जाएगा, जहाँ से आपको पता चलेगा कि आप किस साइड में जाएंगे तो क्या चीज़ आपको देखने को मिलने वाला है। तो जैसा कि आप यहाँ पे अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, तो वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ है। ऐसे मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, सिम्युलेटर, म्यूजिकल फाउंटेन, प्रदर्शन कक्ष, मल्टीप्ले स्टेशन, सौर कुटीर, कार्यालय, वॉशरूम और पेयजल की भी व्यवस्था इस पार्क में उपलब्ध है। तो गाइस इधर में है पेयजल की व्यवस्था, और उसके जस्ट बगल में है टॉयलेट वॉशरूम। इधर में आप देख पा रहे हैं कि फोटो शूट की कितनी शानदार जगह है। यहाँ पे अगर आप फोटो शूट करवाते हैं तो इंस्टाग्राम पर आपका पोस्ट जरूर वायरल होगा। यहाँ पर भी एक फ़ोटो शूट का बहुत अच्छा लोकेशन है। तो गाइस कितना सुंदर नज़ारा है यहाँ पे, चारों तरफ हरे भरे पौधे और बीच में स्टैचू, बहुत ही सुंदर नज़ारा है यहाँ का ये। और नीचे में कुछ लिखा हुआ भी है, तो आप वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिएगा। तो गाइस यहाँ का नज़ारा तो बिल्कुल ही अद्भुत है, एकदम नया यूनिक बनाया गया है, जहाँ पे लिखा हुआ है एनर्जी पार्क रायपुर, और नाइट में यहाँ का व्यू और भी ज़्यादा सुंदर हो जाता है।
छोटा सा किड्स पार्क है जहाँ पे बच्चे खेलते हैं। तो गाइस यहाँ पे देख पा रहे हैं कि बच्चे अपनी शैतानी चालू कर दिए हैं। तो गाइस यहाँ पे एक सूचना लिखा हुआ है कि तो आप अगर कभी भी इस पार्क में आते हैं तो इन सभी बातों का ख्याल रखें, नियम का उल्लंघन ना करें। तो गाइस ये है म्यूजिकल फाउंटेन जो कि अभी बंद है, और ये है दर्शकों का बैठने वाला जगह जहाँ पे बैठ के सभी लोग आराम से म्यूजिकल फाउंटेन शो देखते हैं। लेकिन अभी तो ये शो चल नहीं रहा है। यहाँ का वातावरण पूरा एकदम हरा भरा है, जिधर देखो आंखें जिधर जाएगी उधर आपको हरा भरा नजर आएगा, पूरी हरियाली बिखेरे हुए है ये पार्क। तो गाइस एनर्जी पार्क में एनर्जी बढ़ाने के लिए सोलर पैनल लगा हुआ है। ये वाला भी नज़ारा बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रहा है। गाइस नारियल के पेड़ के ऊपर नारियल फला हुआ है और उसके नीचे स्कूटी खड़ी है। मुझे लग रहा है कि अगर नारियल गिरेगा तो स्कूटी को चपटा तो नहीं कर देगा। तो गाइस ऊर्जा पार्क घूमने आए सैलानियों से मैं कुछ रिव्यू लेता हूँ कि इन लोगों को पार्क कैसा लग रहा है। तो बताइए सर, आप लोगों को पार्क कैसा लग रहा है? तो गाइस पार्क के बीच में आने के बाद आपको एक बोर्ड और देखने को मिलेगा जहाँ पे लिखा हुआ है कि नौका विहार जाने का रास्ता, कैफेटेरिया जाने का रास्ता, मल्टीप्ले स्टेशन जाने का रास्ता, सोलर कार और झूले और फिश पॉइंट जाने का रास्ता यहाँ पे इंडिकेट करते हुए आपको बोर्ड दिख जाएगा। तो गाइस इधर में है कैफेटेरिया। कैफेटेरिया जो है तालाब के बीच में है। यहाँ जाने का रास्ता आप जैसा कि देख पा रहे होंगे ऐसा पुल बना हुआ है, इस साइड भी और इस साइड भी, दोनों साइड में। तो इससे होते हुए यहाँ पे कैफेटेरिया में आप जा सकते हैं। अगर आप पार्क में आते हैं, आपको भूख लगता है, तो आप अगर कुछ खाना चाहते हैं, कुछ पीना चाहते हैं, तो इस पुल के सहारे आप कैफेटेरिया में जा सकते हैं। तो गाइस ये है एनर्जी पार्क का लक्ष्मण झूला। तो चलिए इस पर चल के देखते हैं कैसा लगता है, झूले जैसा महसूस होता है कि नहीं। झूले जैसा झूल रहा है, ओह माय गॉड। तो गाइस यहाँ पे बैठने वाली जगह बनी हुई है, यहाँ पे आके आप पिकनिक वगैरह मना सकते हैं। चार दोस्त अगर आते हैं आप लोग तो यहाँ पे बैठ के आराम से गपशप कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं। ऐसा एरिया, ये शांतिपूर्ण वाला एरिया बना हुआ है, पार्क से थोड़ा सा हटके है। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही सुंदर झरना बना हुआ है, लेकिन अभी ये चल नहीं रहा है। जब चलता है तो बहुत ही सुंदर प्रतीत होता है। तो गाइस आप लोगों से एक सवाल है कि इस स्ट्रक्चर को देखकर आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि ये स्टैचू किसकी है। तो आप कमेंट बॉक्स में भर भर के कमेंट कीजिए कि ये आकृति आपको देखने से कैसी लग रही है, ये कौन सा जानवर है, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं कि स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी के पुण्यतिथि स्मृति में श्रीमती सोनिया गांधी जी के द्वारा दिनांक 1/11/2001 को ये पेड़ रोपित किया गया है। ये जो पेड़ अभी आप देख रहे हैं, और उसके नीचे में यहाँ पर राजीव स्मृति वन का शुभारंभ माननीय श्री अजीत जोगी जी, जो उस समय के मुख्यमंत्री थे, 20 अगस्त 2001 को इस पार्क का उद्घाटन किया था, शुभारम्भ किया था। तो कुछ इस प्रकार से जानकारी है इस पार्क के बारे में कि इस पार्क का शुभारम्भ 20 अगस्त 2001 को हुआ। तो गाइस इधर में वन शहीद स्मारक है। तो गाइस ये है शहीद वाटिका। तो अंदर चलते हैं और अंदर से के नज़ारा दिखाते हैं आपको। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे सजाया गया है।
यहाँ पे छत्तीसगढ़ के सभी शहीदों का नाम लिखा हुआ है। तो अगर आप यहाँ पे आते हैं, आपके पास थोड़ा समय रहता है, तो आप इसे ज़रूर पढ़िएगा। भाई जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक रो में एक जैसा पेड़ लगा हुआ है और पेड़ का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, ये साल का वृक्ष है, साल का वृक्ष। और उसके जस्ट बगल में इधर है चीर पाइन का वृक्ष, उसके बगल में इधर बाकुल का ये वृक्ष है। ये सारा जो वृक्ष दिख रहा है बाकुल का, और ऐसे बहुत सारे वृक्ष हैं यहाँ पे, बिगार का, विशाखा का वृक्ष है। और भी अभी बारिश के मौसम की वजह से घास ज़्यादा होने जाने की वजह से और वृक्ष का नाम यहाँ पे नहीं दिख पा रहा है। तो गाइस ये है छत्तीसगढ़ का राज्य पशु वन भैंसा, और उसके जस्ट बगल में पेड़ के ऊपर आपको मैना दिख रही होंगी। ये है छत्तीसगढ़ राज्य की राजकीय पक्षी मैना। तो गाइस फाइनली मुझे ट्रेन की पटरी तो मिल गई, लेकिन ट्रेन कहाँ है ये रिसर्च करना पड़ेगा। तो गाइस मैं भ्रमण करते करते टॉय ट्रेन की पटरी से बहुत दूर तक आ चुका हूँ और अभी तक मुझे टॉय ट्रेन नहीं मिली है। कहीं पीछे से ना मेरे टॉय ट्रेन आ जाए, इसलिए मैंने कैमरा पीछे से ऑन कर रखा है। फाइनली गाइस मुझे तो सामने दिख गया टॉय ट्रेन। तो गाइस अभी मैं आपको राजीव गांधी स्मृति वन का टॉय ट्रेन दिखाने वाला हूँ, टॉय ट्रेन का पूरा नज़ारा। तो कुछ इस प्रकार से इसका इंजन है और यहाँ पे चालक बैठते हैं जो ऑपरेट करते हैं, और इधर सब पैसेंजर लोग बैठते हैं। दो दो चार पैसेंजर यहाँ बैठेंगे, फिर ये समझिए बोगी है, बोगी वन, बोगी टू, बोगी थ्री, बोगी फोर, बोगी फाइव। फाइव बोगी है इसके और एक इंजन है। तो आप जब कभी आएँ, अगर टॉय ट्रेन चलती रहेगी तो उसका सफ़र ज़रूर लीजिएगा। तो गाइस अभी मैं टॉय ट्रेन के ऊपर चढ़ने वाला हूँ, तो मैं अभी टॉय ट्रेन के ऊपर चढ़ गया। चलिए भैया, ये क्या मेरे साथ तो पोपट हो गया, ट्रेन चल ही नहीं रहा है क्या भैया? चलेगा ट्रेन? आप लोग चला रहे हैं ना? तो चालक भाई साहब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये कंडक्टर है, ये यात्रीगण है। यात्रीगण तो मैं हूँ ना, मैं यात्री बना हूँ। तो गाइस ये पार्क इतना दूर दूर तक फैला हुआ है कि चलते चलते मेरा पैर अब जाम हो रहा है, चलने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी कुछ व्यवस्था है नहीं तो चलना पड़ेगा। अरे क्या, अरे बाबा, ये बम्बू नीचे रास्ते में ही गिर गया है, लेकिन फिर भी मज़ा आ रहा है गाइस। आप ज़रूर आइए, एक बार विजिट कीजिए। तो हम दोबारा से अब लक्ष्मण झूले के पास पहुँच चुके हैं। तो ये पार्क आप लोगों को कैसा लगा? अच्छा लगा। कहाँ कहाँ घूमे आप? तीन पार्क में घूमे। कहाँ कहाँ? दो पार्क और रखे हैं। अच्छा, और बोटिंग किए? हाँ। ये जो बोटिंग इधर दिख रहा है वो किए? हाँ। कैसा लगा वो? बहुत अच्छा। अच्छा, आप लोग तो बताया कि मुझे और एक्साइटमेंट कर दे रहे हैं कि अब मुझे भी करना पड़ेगा बोटिंग। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बोटिंग चालू हो चुका है, बहुत सारे लोग बोटिंग का आनंद लेते हुए। तो अगर आप एनर्जी पार्क आते हैं तो बोटिंग का आनंद भी ले सकते हैं। तो गाइस अभी मैं पैडल बोट करने जाने वाला हूँ, तो अभी सर से पूछता हूँ क्या टिकट प्राइस है सर? ओ, उसको पूछो, वो है सर। एक बोट का 50 में चार्ज है सर, चार्ज में बैठ सकते हैं। अच्छा, मतलब 50 रुपये में चार लोग, और अगर मैं सिंगल हूँ तो? तो भी 50, बोट का किराया 50। अच्छा, मतलब बोट का किराया 50 है, चाहे आप एक जाएँ या चार जाएँ। तो गाइस अभी हम बोट के अंदर आ चुके हैं और भैया लोग भी हैं। मज़ा आ रहा है भैया? तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं भारी बारिश हो रही है, ऊपर भी पानी है, नीचे भी पानी है, और बीच में हम, ऐसा फील हो रहा है, समझ सकते हैं आप खुद
अपनी फीलिंग को यहाँ पे कमेंट्स करके बताइए कि अगर आप इस जगह पे होते तो आपको कैसा लगता। भैया आपको कैसा लग रहा है? आपको कैसा लग रहा है भैया? आपको भैया डर लग रहा है बस। तो गाइस अभी हमारा बोट टूर कंप्लीट हुआ, बहुत मजा आया और बहुत मस्ती भी किए। तो गाइस चलिए अभी आपको लेकर चलते हैं स्पेस में और दिखाते हैं कि स्पेस का नजारा कैसा है। बारिश भी बहुत जोर से स्टार्ट हो गई है तो गाइस अभी तो मैं आप लोगों को स्पेस घुमाने लेकर आया था, लेकिन यहाँ पे बात ऐसी है कि स्पेस आज बंद है, ये केवल संडे को ही चालू होता है। तो आप कभी आए तो संडे को अगर आते हैं तो स्पेस घूमने जरूर जाइएगा। यहाँ पे आप स्पेस में जैसा माहौल रहता है वैसा माहौल आपको देखने को मिलेगा। अब क्या है क्या नहीं है ये तो मैं बस आपको बता सकता हूँ, दिखा नहीं सकता हूँ क्योंकि मैं अभी नहीं जा पाया हूँ। तो गाइस यहाँ पे हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर भाई लोग मिल चुके हैं, तो भैया लोग हमारे चैनल को अभी नहीं देखते हैं, अभी देखेंगे। तो हमारे भैया के चैनल को सपोर्ट करो और सब्सक्राइब करो आप सभी लोग। और कुछ बताना चाहे, पार्क कैसा लगा आप लोगों को? बढ़िया लगा पार्क। अगर कोई ये वीडियो को देख रहा है वो देख के पछताएगा ना, अगर नहीं आएगा तो जो देख के नहीं आएगा वो भी पछताएगा और जो आएगा वो भी पछताएगा। तो गाइस फाइनली हमारा एनर्जी पार्क टूर कम्प्लीट हुआ और इस वीडियो के माध्यम से मैंने आप सबों को भी एनर्जी पार्क का टूर कराने की कोशिश की। आई होप कि आप सब वीडियो को एंजॉय किए होंगे, आप सबों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग जगह का ब्लॉग देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक आप खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। Oh, 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 oh